तो भाइयों फाइनली हमारी यात्रा हो गई है शुरू अमरनाथ के लिए। अभी हम निकले हैं घर से और जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ से हमें पकड़नी अपनी ट्रेन जम्मू तवी, उसके बाद की चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो भाइयों अभी हम पहुँचे हैं अर्थला मेट्रो स्टेशन, जो कि हमारे यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, और ये मेरे साथ है आदित्य मिश्रा जी और इधर मेरा भांजा, तो हम तीनों हैं जो अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। मेट्रो आ गई हमारी, ये देखिए। तो जी हम बैठ गए अपनी ट्रेन में, हमारी ट्रेन का नाम है श्री शक्ति एक्सप्रेस और हमारी जो ट्रेन है उसका टाइम था 7 मार्च, लेकिन ये 7:07 में यहाँ से रवाना हो गई थी और मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे का नजारा कुछ इस तरह का है। ये देखिए मेरा भांजा आशु और ये आदित्य, ये बैठा है बिल्कुल खिड़की के पास में, इसकी सीट है। ये देखिए। तो भाइयों हमारी ट्रेन ने हमें छोड़ा था 3:50 पर, जो कि हमारी ट्रेन लगभग 15-20 मिनट लेट थी। तो वहाँ से जम्मू स्टेशन से हम आ गए भगवती नगर, और भगवती नगर से हमने, आप देख रहे पीछे खड़ी है टवेरा, वो हमने बुक कर लिए, टोटल 8 बंदे उसमें, और एक बंदे का जो किराया है वो है 800 रुपये। तो भगवती नगर से हम जाएंगे पहलगाम, उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। ये भाई हमारी गाड़ी में भरवानी हवा, ये है ड्राइवर भैया। सुबह का मौसम सुहावना ज़बरदस्त। तो हम भगवती नगर से चले हैं 5:30 के आसपास, और हमारा जो टाइम है पहुंचने का, पहलगाम पहुंचेंगे लगभग 12 बजे के आसपास। फिर आज के दिन हम रुकेंगे पहलगाम में ही, और पहलगाम में हमारा स्टे होगा, फिर हमारी कल से यात्रा शुरू होगी पहलगाम से अमरनाथ जी के लिए। तो पहलगाम पहुंचने के बाद में वहाँ की जो चीज़ें होंगी वो आपको हम सारी चीज़ें दिखाएँगे। ये भाई, ये भाई, सारे भाई, 5 भाई मिल गए हमें हमारे साथ में इस घर में जो बैठे हुए हैं, ये भी नोएडा से आ रहे हैं सारे। ट्रेन में भी बगल वाले उसमें थे। हाँ भाई, हम यहाँ खड़े होकर के खा रहे हैं पीनट्स, सॉल्टेड पीनट्स, ये देखो। और यहाँ पे थोड़ी देर का ब्रेक लिया है बंदे साथ में, उन्होंने नाश्ता किया है, ड्राइवर है, उन्होंने साथ में नाश्ता किया है। उसके बाद हम निकलेंगे पहलगाम के लिए, फिर वो मैंने आपको बताया कि पहलगाम जा कर के फिर हमारी आगे की जो यात्रा होंगी वो आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल पीछे का नज़ारा देखिए ऐसा है, पीछे गाँव है पहाड़ी पर, दूर दूर घर बसे हुए हैं। आज तक कितनी बार हाथ लाएगा तू, इंट्रोड्यूस करा दिया तेरे को, खराब हो जाएगा जब जब आएगा। सही है। भाई हम गुजर रहे एक ट्रेन से, जो कि बहुत लंबा टनल है, मेरे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर तो आ चुके हैं और अभी भी चलता है लगातार, ये हम टनल से जा रहे हैं। भाई अब बाहर निकले और पूरा 8 किलोमीटर लंबा टनल है, ये देखिए पीछे बैक साइड पूरे 8 किलोमीटर लंबा टनल। हेलो जी, हो गई है कश्मीर की वादियाँ शुरू। भाई साहब कश्मीर का हिसाब किताब ये देखो, जब यहाँ पे घर भी आपको अलग अलग मिलेंगे, स्लोप पे बने हुए हैं, इनकी छतें स्लोप पे बनी हुई बर्फ की वजह से। वो चाहिए थे पहाड़, हाँ देखे थे जी वो, ये देखिए आसमान में टच करते, हाँ ये। और अभी तक ये नीचे ये जो दिख रहे थे ना, देख 3 बार में दिख रहे हैं ना, सेकंड वाले जो दिख रहे हैं उतने ऊंचे दिखते हैं उतने, हाँ वो चाहिए भाई। ये देख लो भाई कश्मीर की सड़कें, चमकीले बादल और कश्मीरी रोड, पहाड़ की चोटियां उनके अंदर, और देखो चारों तरफ का व्यू, ये देखिए थोड़ा पास से दिखा देता हूं। लग रहा है भाई आदित्य कश्मीर में है तू, आशु भाई अभी उतर के पता लगेगा, अभी तो ऐसे भीड़ बकरी जैसे कह रहे हैं इसके, लेकिन एहसास तो मतलब फीलिंग तो आ रही है ना भाई, महसूस तो हो रहा है ना, ये देखो भाई यहाँ पर जगह जगह पर आर्मी वाले खड़े हुए हैं और कौन वाले खड़े हुए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। भाई ये देखो भाई मस्त पुराने पुराने ऐसे वो लग रखे हैं जंग, बढ़िया लग रहे हैं देखने में यार जबरदस्त। ये देखो नदी, छोटी सी नदी है, देखो भाई ये है कौन वाई सामने जो आ रही है,
ये कौन हुए होती है और ये पूरी ब्लड प्रूफ होती है। ये देखो एक और है, ये आपको पूरे कस्बे में मिलेगी भाई, यहाँ पर हर जगह खड़ी मिलेगी आपको भाई। ये उतर गए हम पहलगाम में, अब यहाँ से हमें देखना है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। भाई कहाँ जा रहे हैं? अभी भाई देखना है जा करके कि कहाँ पर हमें कैसे RFID कार्ड बनवाना है या क्या करना है, अभी आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। काम करता हूँ मैं आपको, अब तक की जो चीज़ें, अब तक हमें क्या क्या जरूरत पड़ी है, हमने कैसे कैसे मतलब किराया, हम कैसे कैसे आए हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी है, मैं वो आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखो अमरनाथ यात्रा के लिए आपको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, जो कि आप अमरनाथ www.amarnathji.com वाली वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और उसके बाद में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे अमरनाथ के लिए तो आपको वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके बनेंगे आपके किसी जिला अस्पताल से, कोई रजिस्टर्ड ऑर्थोपेडिशियन या रजिस्टर्ड फिजिशियन के द्वारा वो उससे अप्रूव होंगे, और उसके बाद में आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा, और उसके बाद आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो आपका अटैच होगा। देखो जैसे ये है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है आदित्य का, ठीक है, और इसके साथ ही फिर आपको क्या कहते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे और इसकी एक आपको आपको अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भी आपकी लगेगी, ये है। और इसके साथ जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ऑनलाइन तो उसके लिए आपको फिर ये यात्रा परमिट है और कंप्यूटर से निकलवाना पड़ेगा इसका प्रिंट, और इसके बाद ये सबमिट होंगे। अब यहाँ पर हम खड़े हुए हैं RFID कार्ड के लिए, जो कि हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद में वो हमारा एक RFID कार्ड बनाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है। एक हमें कार्ड मिलेगा जो कि हमें अपने गले में टांगना है, और ये हमें पूरी यात्रा के दौरान अपने गले में टांग कर रखना है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है RFID काउंटर, तो शायद यहाँ से वेरीफाई करने के बाद में हमें वहाँ से कार्ड मिलेंगे जो कि वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये रे मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये जी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की हो गई आशु की, लेंगे यहाँ से RFID कार्ड। हाँ जी सर, हो गया। जी ये कहते हैं, यस सर, सर गाजियाबाद सर, ये है जी RFID कार्ड जो हमें मिला है सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराने के बाद में, और ये रहा आदित्य का, और ये मेरे पास है मेरा, तो ये आपको मिलेगा RFID कार्ड जब आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन करा लोगे उसके बाद में, और ये RFID कार्ड आपको मिलेगा सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराने के बाद में, और ये RFID कार्ड आपको जैसे मैंने इस टाइम गले में टांग लिया, ये गले में आपको टांग कर रखना पूरी यात्रा के दौरान, ये मैंडेटरी है। ये भी हम सब लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, मतलब डिसाइड करने में लगे हुए हैं, एक्चुअली अभी डिसाइड हुआ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ देख लेंगे बाबा, देख लेंगे। हाँ भाई, हम तो तीनों हैं ही, साथ में जो पांचों भाई आ रहे हैं ये भी सब मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अमरनाथ, तो हम देख रहे हैं कि हमें करना क्या है। वैसे हम चाह रहे हैं कि कैंप भी करेंगे, वैसे जहाँ तक है कि यहाँ जहाँ पे अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, RFID मिला है, वहाँ पे कोई रोक रुक नहीं रहे, तो हमें दिख रहा है आगे कैंप, हम वहीं जाके अब देखेंगे क्या क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। बिल्कुल, कैंप की सुविधा देखेंगे कि कैंप कैसा है, किस तरह की फैसिलिटी है उसमें, और चांस है कि हम कैंप भी करेंगे, कैंप भी रेंट करेंगे। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। भाई ये देखो, ये यार नदी ना, एक्चुअली मुझे लग रहा था झेलम, लेकिन ये झेलम नहीं बता रहे, इस नदी का नाम लैदर नदी बोल रहे हैं, लैदर। लेकिन भाई इसका बहाव देखो आप, ये बिल्कुल साथ के साथ चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम कैंप में रुकेंगे तो हम मोस्ट प्रोबेबली इसी नदी में नहाएंगे, नहाने के बाद फ्रेश व्रेश होकर के उसके बाद खाना वाना खाएंगे। ये देखो बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे जो रोड है जिस पर हम चल रहे हैं, इसके साथ साथ चल रहे हैं, और इधर देखो पीछे आ रहे हैं सब। ये देखो भाई मौसम, देखिए भाई मौसम देखो, और ये देखो हरियाली ज़बरदस्त, क्या बात है, सामने पहाड़ है और इधर नीचे बहती हुई नदी। और थोड़ा सा व्यू आपको यहाँ का दिखाता हूँ, ये देखिए गजब भाई। कश्मीर में पहुँचने के बाद एक अलग ही फीलिंग आ रही है सही में, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस टाइम आपको।